बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरेबिया फुटबॉल टीम के मुतालिक तो आपने सुना होगा, जब भी इनका मैच होता है किसी भी कंट्री के साथ तो ये काफी पुरजोश होते हैं, घरों में बड़ी एलसीडीएं लगाकर देखते हैं। ताइफ में एक दफा मैं मौजूद था तो वहां पर एक सऊदी ने अपनी भाई कोठी नमा महल में एक बड़ी एलसीडी लगाई हुई थी, बाकायदा लॉन वगैरह में बड़ा इंतजाम किया हुआ था। मैं भी वहां पर देखकर फुटबॉल का मैच देख रखा था और वो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं उनको देख रहा था। जब भी कोई गोल वगैरह या कोई ऐसे भाई चांस होता था गोल का तो वो बहुत ज्यादा शोर डालते थे। तो मैच यानी कि जैसे कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट के मुतलक ये काफी भाई पागल किस्म के हम होते हैं, या क्रिकेट हमको भाई बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे ही सऊदी अरेबिया को भाई फुटबॉल बहुत पसंद है। इनके छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे काफी ज्यादा फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं। हम मेरे जैसा बंदा भी उनसे उनके साथ फुटबॉल खेले तो वो भाई बहुत बहुत ही आसान तरीके से उसे भाई गोल कर देते हैं। मैंने खुद इनके साथ खेल कर देखा है। तो बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी टीम है जी हमारी पाकिस्तान की, पीएसएल की आपको पता है जी काफी अच्छी टीम है, पीएसएल जीत भी चुकी है। तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सऊदी अरेबिया को चैलेंज बोल रहे हैं आप, कहा गया था कि सऊदी अरेबिया की क्रिकेट टीम हमारे साथ एक क्रिकेट मैच खेले। फुटबॉल के मैच तो आपने बहुत सुने होंगे लेकिन सऊदी अरेबिया में भाई क्रिकेट टीम भी मौजूद है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो भाई सऊदी अरेबिया की तरफ से ये चैलेंज कबूल कर लिया गया है और डेट वगैरह तो इसके मुताबिक अभी तक नहीं बताई गई है, यानी कि डेट नहीं बताई गई है और ये मैच कहां पर होगा ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन चैलेंज कबूल कर लिया गया है कि सऊदी अरेबिया वीएस पेशावर ज़ल्मी इन दोनों टीमों का मैच होगा क्रिकेट का। और मुझे भाई यकीन है कि सऊदी अरेबिया में भी होगा और जद्दा या रियाद शहर में रखा जाएगा। जैसे ही इसके मतलब कोई डेट या स्टेडियम वगैरह क्लियर किया जाएगा वो भी आप भाइयों के साथ आगे मैं वीडियो में शेयर करता रहूंगा। अगर आप उस शहर में मुकीम हुए तो भाई इसकी टिकट भी बिल्कुल मेरे हिसाब से लो प्राइस में रखी जाएगी, आप जरूर खींचिएगा, इस मैच को जरूर एंजॉय कीजिएगा।